जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, आप सभी का माँ अन्नपूर्णा की रसोई में स्वागत है। तो बिल्कुल लॉकडाउन है और हम सबको रेस्टोरेंट के खाने की भी बहुत याद आ रही है, और उसी का फेमस जो डिश है वो है बिरयानी। तो बिल्कुल आज हम बिरयानी बनाना सीखेंगे, और उसी के साथ में जो उसके साथ में हमको मिलते हैं सैलेड और सिरके वाले प्याज और रायता। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये बना है हमारा बिरयानी, और बिल्कुल घर में ही रखी हुई चीज़ों से मैंने बनाया है, और बासमती चावल भी मैंने नहीं यूज़ किया है। तो जो भी आपके घर में चावल हो वो आप ले सकते हैं, अच्छा बनेगा ऐसा नहीं है। बस बासमती अगर आपके पास चावल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत खिले खिले से चावल आएंगे। तो मैंने पानी को चढ़ा दिया है उबलने के लिए, और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें तेजपत्ता, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और फूल चक्री जिसको बर्दियान भी बोलते हैं या स्टार फूल भी बोलते हैं, जो वो बहुत ही अच्छा आपकी बिरयानी को जो है फ्लेवर देता है। तो अगर आपके पास इसमें से कुछ मसाले ना हो फिर भी चलेगा, जो भी आपके पास खड़े मसाले घर में अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए पानी में, और जितना आपने चावल लिया है उसका 2 से 2.5 गुना आप पानी लें। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा तेल मैंने डाला है जैसे कि हमारे चावल जब हम उबाल लें तो उसके बाद आपस में चिपके नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डिनरी चावल लिया है जो घर में हमारे यूज़ होते हैं, थोड़े से ये लंबे बनते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो इनको मैंने धुल के और कुछ देर के लिए भिंगो दिया है, लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा पानी उबलेगा उतने देर मैंने इनको भिंगो दिया है। और मैंने यहाँ पे देखिए जो भी आपके घर में वेजिटेबल हो, गोभी, गाजर, मटर, तो उनको मैंने थोड़े छोटे टुकड़ों में काट के उबाल लिया है इनको पानी में। और ब्लांच करना पूरी तरीके से नहीं पकाना है, क्योंकि हम इनको जब दम देंगे तब भी ये पकेंगे, तो इसलिए ओवर कुक नहीं करें, हल्का सा ही कुक करें। और एक जो है मैंने लंबे कटे हुए प्याज लिए हुए हैं, लंबे काट के रखे हुए हैं प्याज को, और ये देखिए लगभग हमारा पानी जो है वो उबलने लगा है। तो इस स्टेज पे मैंने जो है चावल से पानी छान लिया है और उसको मैं इसमें टर्न कर रही हूँ। तो अब हम इसको उबालेंगे, और चावलों को हमको इतना उबालना है कि उसमें जो है एक हीर, मतलब जब आप चावल को दबा कर देखें तो उसमें एक दाना रहना चाहिए, मतलब वो पूरा कुक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूरा कुक होगा तो जब हम इसको दम देंगे तो वो एकदम सॉगी सा हो जाएगा। तो देखिए मैं दबा के दिखा रही हूँ, आपको एक दाना नज़र आ रहा होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से 80% आपका जो है चावल वो कुक हो जाना चाहिए, मतलब पक जाना चाहिए। तो बिल्कुल जो भी आप ये पानी का जो पानी निकले उबलने से या सब्जियों के उबालने से जो पानी निकले उसको वेस्ट नहीं करें। अगर आपके घर में प्लांट हैं तो उनको बिल्कुल ठंडा करके आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो ये काम तो मैं हमेशा ही करती हूँ क्योंकि मैं एक गार्डनर भी हूँ। तो अब मैंने तेल में जो है ना ये प्याज को लाल करना है, बिल्कुल क्रिस्पी कर देना है। तो इसको हम बिल्कुल चलाते हुए इसको लाल कर लेंगे प्याज को। और बिल्कुल फ्रेंड्स, प्याज जब आप फ्राई कर रहे हो ना लाल, तो उनको जैसे ही वो लाइट गोल्डन कलर के होने लगे उससे पहले ही निकाल लें, क्योंकि प्याज में हीट जो होती है ना उससे भी वो कुछ देर पकते हैं। तो देखिए मेरा अभी हल्का गुलाबी ही है, तो मैं इनको तुरंत फटाफट से निकाल रही हूँ, क्योंकि प्याज निकलने के बाद में भी जो उनमें गर्माहट होती है उससे वो जलने लगते हैं। अगर आप कढ़ाई में ही रहने देंगे उनको, आप सोचेंगे कि जब ये पूरे लाल हो जाए तब हम निकालें, तो निकालते निकालते तक आपका प्याज जो है ना वो बिल्कुल जलने की कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए आप उसको थोड़ा पहले ही निकाल लें, 80% आपका वो गोल्डन हो उससे पहले ही निकाल लें। तो देखिए ये मेरा, देखिए निकालते ही देखिए किस तरीके से इसने कलर चेंज कर दिया है। तो इसी तेल में हम तेल को गर्म हो जाने देंगे, और इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर में अवेलेबल हो पनीर तो आप यूज़ करें, नहीं तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी हम बिरयानी बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगेगी वेजिटेबल्स के साथ में ही। तो आपके पास कोई एक सब्जी हो तो उससे भी आप ये बिरयानी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास गोभी, गाजर, मटर सब हो तभी बना सकते हैं। तो आपके पास कोई एक वेजिटेबल हो फिर भी बिरयानी बन सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास में देखिए 2 चम्मच मैंने दही लिया हुआ है, और ये है बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो वो ही यूज़ करें, अगर नहीं है तो जो भी मैंने मसाले जो पानी में डाले थे ना उन्हीं को आप जो है हल्का सा तवे पे फ्राई कर लें, मतलब रोस्ट कर लें, उसको ठंडा करके मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, कोरस ग्राइंड करें मतलब दरदरा, और उसको दही में भिंगो दें। तो अगर आपके पास है तो, अगर ईजली मिल जा रहा है अगर इस लॉकडाउन में आपको, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप खड़े गरम मसालों को हल्का सा
भुनकर उनको जो है पीस के अपने दही में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तेल में अब हमने जो हमने ब्लांच करके अपनी वेजिटेबल्स रखी थी उनको हम फ्राई करेंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएं और जो इसका पानी है थोड़ा सा उबालने से जो आ गया है वो ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो आप लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में जब हम बिरयानी खाने जाते हैं तो उसके साथ में एक सैलड मिलता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है खीरा, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता डाला है, और ये है मिंट, और ये भी, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मिंट हैं। ये कुछ चीज़ें आप ना अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाया करें। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, और इसके साथ में हम डालेंगे नींबू, और बिल्कुल इसका नींबू का रस मैंने अब गाड़ दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची, बिल्कुल वही टेस्ट देने के लिए। तो हम इसको अभी नहीं मिलाएंगे, जब मेरा सब कुछ तैयार हो जाएगा ना तब, जब सर्व करना हो तभी आप मिलाएं, नहीं तो खीरा प्याज जो है नमक के साथ में आते ही वो पानी छोड़ने लगेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा लगभग भुन चुका है, और इसमें अब हम अपना ये पनीर भी डाल देते हैं। तो ये पनीर डाल के, ये मैंने पनीर डाल दिया है, और इसको भी दो मिनट के लिए, दो सेकंड के लिए आप भून लें। और इसमें जो है अब हम अपना ये जो मसाला मैंने भिंगो के रखा था दही में, वो हम ऐड कर देंगे, और इसको भूनेंगे तब तक के लिए, क्योंकि दही है तो थोड़ा पानी छोड़ेगा। तो तब तक आप इनको भून लें जब तक इसका मॉइस्चर पूरा उड़ ना जाए। तो बिल्कुल दही भी इसके साथ में भुनता रहेगा और आपका मसाले भी भुनते रहेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप इनको भून लें, और जब तक इसका जो है मॉइस्चर उड़ ना जाए तब तक आप इसको पका लें। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा, जैसे और बिरयानी बनती है ना कि हम उसके लिए प्याज भुनते हैं, पूरा मसाला लगाते हैं, उस तरीके से हमने ये बिल्कुल भी नहीं बनाई है। ये मेरे वे से मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए, ये जो अब हम इसको भुनते ही रहेंगे, तो देखिए अब हमारा जो है लगभग ये भुनने में मेरा 4 से 5 मिनट गया है, और ये मेरा भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चावल। तो ये एक तरीके से ऑप्शनल है, मैं इसमें ऐड करके बना रही हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो आप जिस भी बर्तन में इसको जो दम देना चाहते हैं उसमें एक लेयर अपनी चावल की लगाएं, उस पर वेजिटेबल्स की लेयर लगाएं, फिर चावल की लेयर लगाएं, फिर वेजिटेबल की लेयर लगाएं, इस तरीके से कर सकते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा जो है ना ऐसे चावलों को डायरेक्ट इसी में डालती हूँ। ये सबसे सिंपल तरीका है बिरयानी बनाने का। और मैंने देखिए इस तरीके से तेल डाला था ना, तो देखिए इस तरीके से आराम से ये कलछी से हमारे सारे चावल ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें से सारा स्टार्च जो है निकाल दिया है, तो चावल आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप इनको मिला लें। इस प्रोसेस से होता क्या है ना कि सारे चावलों में अपना फ्लेवर आ जाता है, वैसे दम लगाने से भी आ जाता है, पर इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जिसमें भी सुविधा लगे आप उसमें बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर मिला रहे हैं नमक, क्योंकि अब इस तरीके से आपको चावल और सब्ज़ी में अलग अलग नमक मिलाना होता है, पर अब मैंने दोनों चीज़ों को मिला दिया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालने के साथ में हम इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है, बिल्कुल इस तरीके से आप एक दो बार अच्छे से स्टर कर लें, जिससे कि नमक एक एक चावल में और सब्जियों में अच्छे से भिन जाए। तो अब हम लेंगे हांडी। तो देखिए मेरे पास ऐसे तो पीतल की हांडी है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुकर में भी कर सकते हैं, या कोई सिल्वर का आपके पास में, या एल्युमिनियम का कोई भी भगोना उसमें आप ले सकते हैं, या कढ़ाई में भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसका जो बॉटम हो ना वो थोड़ा थिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने नीचे में थोड़ा सा ग्रीस कर लिया अपने देसी घी से, और इसमें मैं अपना सारा ही जो मैंने बिरयानी बनाई है चावल के साथ में वो हम इसमें करेंगे। और ये सबसे अच्छा फ्लेवर फ्रेंड्स आता है ना मिट्टी के घड़े में, जो मटके आते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ बिरयानी एसेंस, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस इससे वो रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में गुलाब जल हो या फिर केवड़ा वाटर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए जो मैंने प्याज को तल के रखा था ना वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपना हरा धनिया देखिए, और ये मैंने पुदीने को काट के रखा हुआ था फ्रेश मिंट लीफ, बिल्कुल मेरे गार्डन की ही है, इसकी स्मेल इतनी अमेजिंग आ रही है। और बिल्कुल हमने धनिया का पत्ता डाल दिया है जो मैंने बारीक काट के रखा था, और एक चम्मच मैंने इसमें डाला है देसी घी, और ये भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आपके बिरयानी को देता है।
तो ये चीज़ हो गई। अब आपको इसके ऊपर इसको ढकना है, तो कोई भी प्लेट वगैरह से आप इसको ढक के और किनारे से आटों से इसको सील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चावल में मैंने कलर मिला के रखा हुआ है, जो मैंने चावल उबाल के रखे थे वो भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, जिससे कि कहीं कहीं इसका अलग कलर आएगा। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बस इससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं जो है सिल्वर फॉइल से इसको रैप करूँगी। तो अगर आपके पास में सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप इसके ऊपर जो भी प्लेट फिट हो जाए वो रख सकते हैं, और उसको किनारे से आटे से, जो आटा होता है ना, आटे की हम जैसे रोटी लगाने के लिए करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसके किनारों को आप सील कर दें। तो देखिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया हुआ है और इसको मैंने हाई फ्लेम पे कुछ देर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसके ऊपर अपनी ये हांडी प्लेस करेंगे और इसको दम देंगे। तो शुरुआत के 5 से 7 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पर दम दें, उसके बाद आप मीडियम फ्लेम कर दें और करीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए आप इनको दम दे। और इतने देर में जब तक दम हो रहा है, हम अपना सिरका वाला प्याज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सिरके में कलर डाला हुआ है और नमक डाला हुआ है। इसमें हम अपने छोटे छोटे से जो बेबी अनियन आते हैं ना, उनको बीच से चीर के हम इसमें सोक कर देंगे। और ये बिल्कुल कुछ देर आप रख दें इसको, जिससे कि ये बिल्कुल इसमें अच्छे से प्याज में सिरका जो है मिल जाए। और ये हमारा तैयार हो गया है। आधा एक घंटा अगर इसमें रखा रहने देंगे आप, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से देगा। और ये रायता मैंने बनाया है, जिसमें मैंने प्याज, हरा धनिया, भुना जीरा पाउडर, लाल मिर्च और नमक डाल के ये तैयार किया है। तो लगभग हमारा ये दम हो चुका है। तो अब हम इसको फ्लेम को कर देते हैं बंद। और बिल्कुल फ्रेंड्स, जब भी आप इसको खोलें ना, तो बिल्कुल केयरफुल होके खोलें, क्योंकि बिल्कुल स्टीम अंदर बनी होती है, तो भाप से कभी कभी हाथ जल भी जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे एक एक दाने जो हैं चावल के जो बचे थे, तो वो जो हैं कुक हो चुके हैं। और इस तरीके से आप इनको ऐसे कपड़े से हांडी को हिलाएं, क्योंकि नीचे हमने ग्रीस किया हुआ है तो कोई भी चावल चिपकेगा नहीं आपका। और इस तरीके से आप इनको हिलाते हुए मिला लें, और चाहें तो आप स्पून की भी मदद ले सकते हैं। तो देखिए कहीं 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 हमारे रेड वाले चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो लीजिए, हमने इसको कर लिया है सर्व, और ऊपर से मैंने मिंट से इनको डेकोरेट कर दिया है, और सारे सैलेड और सिरके वाला प्याज और रायता सभी को हमने सर्व कर लिया है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप सब भी इस लॉकडाउन में जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो उससे ये बिरयानी बना कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी रेसिपी के साथ में मैं आप सबसे लेती हूँ विदा, नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूँगी। ओके माई फ्रेंड्स, बाय बाय।